जैसे भगवान नारायण को बुलाया, भगवान नारायण प्रकट हो गए, कहे ऋषिवर कैसे कैसे याद किया हमें बताइए। अब देवर्षि नारद की स्थिति देखिए कितनी बड़ी भूमिका बना रहे। देवर्षि नारद ने कहा, अब सरकार एक बात बताऊं, हाँ, जब भगवान भोलेनाथ के पास जाता हूं ना और उनके वाम भाग में माँ पार्वती को देखता हूँ और उनके छोटे छोटे बच्चे, इतना सुंदर लगता है देख करके, भरा पूरा परिवार आनंद आ जाता है। भगवान नारायण ने कहा, हाँ भाई, भरा पूरा परिवार रहता है, बाल बच्चे रहते हैं, अच्छा ही लगता है। और प्रभु जब उससे आगे बढ़ता हूँ, ब्रह्मा जी के पास जाता हूँ, देखता हूँ उनके साथ में भी मैया बैठी रहती, बड़ा सुंदर लगता है। हाँ हाँ बिल्कुल। और महाराज सबसे सुंदर तो तब लगता है जब आपके पास जाता हूँ और आपके चरणों की सेवा माँ लक्ष्मी कर रही होती हैं, तब तो आनंद आ जाता है देख करके। हाँ हाँ वो तो करती हैं, अच्छी बात है, विवाह करना चाहिए। लेकिन प्रभु जब अपने आप को देखता हूँ ना तो मेरा मन खिन्न हो जाता है। मैं अकेला आदमी, घर में आने के बाद किसी से अपनी बात ना कह पाओ, कोई दुख सुनने वाला नहीं, कोई सेवा करने वाला नहीं। तो भगवान नारायण ने कहा, कहना क्या चाहते हैं, विवाह करेंगे क्या? तो विवाह अगर करेंगे तो व्यवस्था की जाए, कन्या देखी जाए। देवर्षि नारायण ने, नहीं सरकार, कन्या नहीं देखनी, कन्या पहले से तैयार बैठी है। अच्छा, हाँ सरकार, कन्या भी तैयार है, बाराती तैयार है, मंडप सब तैयार है। कहा, कमी किस बात की है? कहा, कमी सिर्फ एक बात की है, आपसे हमें कुछ उधार चाहिए। अच्छा, उधार क्या चाहिए? तो देवर्षि नारद कहते हैं कि आपान रूप देहु प्रभु मोही। प्रभु ये जो आपका चेहरा है ना, ये हमको उधार दे दीजिए। अब भगवान नारायण सोचे, वाह बेटा, चेहरा हमार भी आ तो आ, ये कहीं होता है क्या भाई? विवाह कोई करने जाए तो जूते उधार ले ले, गाड़ी उधार ले ले, कपड़े उधार ले ले, लेकिन अब कोई कहे चेहरा उधार दे तो ये तो वही बात हो, कन्या दिखाओ कोई और, विवाह कराओ किसी और से, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन उसी समय देवर्षि नारद के मुख से एक और बात निकल पड़ी। क्या निकली? कि जेही विधि नाथ होई ही तमोरा करौं सुवेगी दास मैं तोरा। प्रतिदिन भगवान के पास जब बैठी है ना तो आप भी यही चौपाई गाइए, प्रभु जिस प्रकार से मेरा हित हो आप वही करिए। देवर्षि नारद कहते, प्रभु जिस प्रकार मेरा हित हो आप वही करिए, लेकिन जल्दी करिए, टाइम बिल्कुल नहीं मेरे पास। उधर वरमाला शुरू है। भगवान नारायण ने कहा, हित नहीं करूंगा, आपका परम हित करूंगा, चिंता ना करिए। और भगवान नारायण ने बंदर का स्वरूप बना दिया, भयंकर बंदर का चेहरा बना दिया देवर्षि नारद का। लेकिन ध्यान दीजिएगा, चेहरा तो बंदर का बनाया लेकिन हाथ पांव अपना दिया। अब मोबाइल तो था नहीं कि देख ले कि चेहरा कैसा दिख रहा है। देवर्षि नारायण ने जब हाथ देखा, पांव देखे, अरे बढ़िया सुंदर भगवान नारायण का मिला, लेकिन चेहरा नहीं देख पाए। अब भयानक बंदर का स्वरूप बना करके देवर्षि नारायण चले, सीना चौड़ा करके एकदम आनंद में, आज इतने खुश हैं, प्रसन्न हैं कि क्या कहा जाए। लेकिन आप ध्यान दीजिए, ये स्वरूप किसी को दिखाई नहीं पड़ा, किसी को दिखाई नहीं पड़ा। किसको दिखाई पड़ा? सिर्फ विश्व मोहिनी को दिखाई पड़ा और भगवान शिव के दो रुद्रगण थे उनको दिखाई पड़ा, बाकी सबको देवर्षि नारद के रूप में दिखाई पड़ रहे। गणों को भी नहीं दिखाई पड़ रहा था, लेकिन भगवान शंकर ने अपने गणों को भेजा हुआ था वहां पे, क्यों? जाकर के लाइव टेलीकास्ट करना, जैसे यहाँ पे भैया लोग कर रहे हैं ना लाइव टेलीकास्ट, वैसे ही बाबा ने कहा लाइव चलाना, भाई मुझे लाइव देखना है क्या चल रहा है वहां पे। तो गणों ने कहा, सरकार हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बाबा ने कहा, अभी अभी कुछ करता हूँ मैं,
भगवान नारायण से कहा भाई उनको भी दो ऐसा सिस्टम कि वो भी लाइव दिखा सके। उन गणों को भी दिखाई देने लगा। अब जब देवर्षि नारद पहुंचे, जाने के बाद लोगों से पूछते ये बताओ कन्या गेट नंबर कौन से आएगी। लोगों ने कहा भाई कन्या गेट नंबर 1 से आएगी। देवर्षि नारद 1 से प्रवेश किए। अब जितने राजा महाराजा देवता बैठे थे सब अपने अपने स्थान पे खड़े हो गए ये जानकर कि ये संत हैं। और देवर्षि नारद को लगा कि आज हम इतने सुंदर दिखाई पड़े कि सब मेरे सम्मान में खड़े हैं, ब्रह्म में जी रहे हैं। अब जैसे ही जा करके एकदम पहले नंबर सिंहासन पे बैठे, कहीं से मिस्टेक कोई ना हो जाए, पहले नंबर पे बैठ गए। तो जो भगवान के दो रुद्रगण थे उन्होंने जब पीछे से देखा तो आपस में बात करने लगे, ओहो कितना सुंदर राजकुमार आया है आज। एक ने कहा तुम किसकी बात कर रहे हो, तो दूसरा कहता है वो जो पहले नंबर पे बैठा है ना उसी की बात कर रहा हूं। अब तो देवर्षि नारद और टाइट होकर के बैठ गए, हमारी चर्चा चल रही है, आज हम बड़े सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं, आज तो माला महाराज कहीं नहीं जानी है, माला तो मुझे ही मिलनी है। विश्व मोहिनी आई वरमाला लेकर के, और जैसे देवर्षि नारद को देखा, जिस पंक्ति में देवर्षि नारद बैठे थे उस पंक्ति में विश्व मोहिनी गई नहीं, और दूसरे पंक्ति में विश्व मोहन बैठे थे, विश्व मोहिनी जा करके विश्व मोहन के गले में माने वरमाला पहना दिया। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की, जाके वरमाला तो पहना दिया। इधर गणों ने बाबा के पास सूचना पहुंचाई, बाबा बहुत गड़बड़ हो गई। भगवान शंकर ने पूछा हुआ क्या, कहा माला नहीं पड़ी, कहा फिर कहां गई, कहा विश्व मोहिनी ने तो सिर्फ एक बार देखा और दोबारा पलट के देखा ही नहीं। बाबा समझ लिए, क्या समझ लिए, बाबा जान गए कि अब मुझे क्या करना है। अच्छा विश्व मोहिनी ने पलट के क्यों नहीं देखा, इसका एक कारण है। भगवान शंकर ने वही निश्चय कर लिया, क्या निश्चय किया, कि आज के बाद मैं भगवान का बंदर बन के जाऊंगा। क्यों, बाबा कहते हैं कि जो भगवान का बंदर बन जाता है उसके तरफ माया मुड़ के भी नहीं देखने जाती है। लेकिन बंदर भी दो प्रकार के होते हैं, एक पालतू बंदर होते हैं, फालतू बंदर होते हैं। पालतू बंदर कौन से होते हैं, आपने देखा होगा शायद, अब तो बहुत कम हो गया है, पहले गांव में आते थे ना वो बंदर का नृत्य दिखाने के लिए, मदाड़ी दिखाने के लिए, तो बंदर से पूछते थे ससुराल कैसे जाओगे, तो लाठी पकड़ के बताता था ऐसे ऐसे जाऊंगा। तो उसके गले में पट्टा बंधा रहता था, अब वो मदाड़ी दिखाए न दिखाए, उसे पैसे मिले न मिले, लेकिन उसे अपने खाने की चिंता नहीं है। क्यों, क्योंकि वो जानता है मेरा मालिक बैठा है, मेरे खाने पीने हर चीज की व्यवस्था मेरा मालिक करेगा। लेकिन जो फालतू बंदर है वो इस पेड़ से उस पेड़ पर, उस पेड़ से उस पेड़ पर कोई पूछने वाला नहीं है। उसी प्रकार से अगर बनना है तो भगवान के पालतू बंदर बनिए। और पालतू बंदर कौन है, जिसके माथे पर तिलक है, जिसने अपने गले में कंठी धारण की है, जिसने अपने हाथ में रक्षा सूत्र बांधा हुआ है, जो भगवान की भक्ति में लीन है, जो भगवान पर जिसको विश्वास है वो भगवान का पालतू बंदर है। और वो ये जानता है कि मैं कुछ काम करूं न करूं, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा मालिक बैठा हुआ है, मुझे मेरे खाने पीने की कोई चिंता नहीं है। अब आप बताओ भगवान के पालतू बंदर बनोगे कि फालतू बंदर है, कौन कौन पालतू बंदर बनेगा भाई, हम तो बनेंगे, हम तो है ही, बनेंगे क्या। अच्छा बीच वालों को भी संकोच है, तो बनना है तो भगवान के पालतू बंदर बन के रहिए। और जो भगवान के पालतू बंदर बन के रहते उनको अपने खाने पीने की कोई चिंता नहीं करनी पड़ती। क्यों, क्योंकि वो मालिक बैठा हुआ है नचाने के लिए, कोई चिंता नहीं करनी। भगवान शंकर क्या बन के आए, बंदर बन के आए, हनुमान जी का वेश धारण किया। अब नारद जी बैठे बैठे सोच रहे हैं आखिर मिस्टेक हुई कहां से, हम तो नंबर वन पे बैठे भी थे, सुंदर भी दिखाई पड़ रहे थे, फिर भी माला नहीं मिली, माला दूसरे के पास कैसे गई। गणों ने कहा बाबा
इस स्वरूप में इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्म में माला मिलने वाली नहीं है। अपना चेहरा तो देखो। और जब देवर्षि नारद ने अपना चेहरा देखा, भयानक बंदर का चेहरा, भयानक बंदर का चेहरा, देवर्षि नारद क्रोध में आ गए। दई हूं श्राप की, मरी हूं जाई, जगत मोर उपहास कराई। आज या तो भगवान को श्राप दूंगा या अपने प्राण त्याग दूंगा, मर जाऊंगा मैं। इतना बड़ा अपराध किया भगवान ने, इतना बड़ा कपट किया, लेकिन अभी तक ये नहीं पता था कि विवाह भी भगवान ही करके ले गए। अभी सिर्फ यही पता था कि मेरा चेहरा ऐसा बनाया। भगवान नारायण बैठे बैठे सोच रहे हैं, बाबा इतने क्रोध में आ रहे हैं, लेकिन क्षीर सागर पहुंचते पहुंचते इनका क्रोध शांत हो जाएगा, इसलिए चल के अग्नि में और घी डाला जाए। फिर क्या किया, गरुड़ जी को लिया, एक तरफ माँ लक्ष्मी को बिठाया और एक तरफ विश्व मोहिनी को बिठाया और दोनों को लेके चल पड़े। और जैसे ही चले, रास्ते में देवर्षि नारद से टकरा गए। बाबा बड़े क्रोध में जा रहे, कहाँ जा रहे, बड़े क्रोधित दिखाई पड़ रहे, सब ठीक तो है? अब तो देवर्षि नारद देखा रहे, ये तो वही विश्व मोहिनी है जिससे मैं विवाह करना चाहता था। अरे इतना बड़ा कपट आपने मेरे साथ किया, इतना बड़ा छल आपने मेरे साथ किया। अरे मैं जान गया आप महाकपटी हैं, जो भी आपसे प्रेम करता है उसे सिर्फ और सिर्फ दुख देते हैं, उसका साथ आप कभी नहीं देते। समुद्र मंथन के समय जब विष निकला तो शंकर को पिला दिया और लक्ष्मी निकली तो स्वयं ले लिया। मैं आपके कपट को जानता हूं, महाकपटी हैं आप, लेकिन आपने आज अच्छे घर बयान दिया, आज मैं आपको ठीक करूंगा। परम स्वतंत्र न सिर पर को भाव मन ही करे तुम सो, जो मन में आता है सो करते हैं। परम स्वतंत्र हो गए, आपको कोई ठीक करने वाला नहीं है, लेकिन मैं आपको ठीक करूंगा। जाइए, मैं आपको 3 श्राप देता हूं। पहला श्राप, जिस मनुष्य का शरीर धारण करके आप गए हुए थे वही मनुष्य बन करके आप जाएंगे। दूसरा श्राप, जिस प्रकार से जिस बंदर का चेहरा आपने मुझे दिया यही बंदर आपकी सहायता करेंगे। तीसरा श्राप, जिस प्रकार से आज मैं विश्व मोहिनी के वियोग में तड़प रहा हूँ, रो रहा हूँ, उसी प्रकार से आप भी अपने पत्नी के वियोग में तड़पेंगे, रोएंगे। 3 श्राप दे दिया देवर्षि नारद ने। और जैसे ही श्राप दिया, भगवान ने अपनी माया हटा ली कि जब हरी माया दूरी निवारी और नहीं तहां रमा नराज कुमारी। जैसे ही भगवान ने अपनी माया हटाई, ना वहां पर राजकुमारी विश्वमोहिनी है, ना वहां पर लक्ष्मी जी हैं। भक्त के सामने अगर कोई खड़ा है तो भक्त का भगवान खड़ा है। देवर्षि नारद हाथ जोड़ के खड़े हो गए, नाथ हमसे बड़ा अपराध हो गया, हमने आपको श्राप दे डाला। भगवान ने कहा, आपने श्राप नहीं दिया, मैंने तो श्राप आपसे लिया। मैं अपनी टीम में उसे ही शामिल करता हूँ जिस पर मुझे बड़ा विश्वास होता है। मैं अपना कार्य सबसे नहीं कराता हूँ। और ध्यान रखिएगा, भगवान की कथा में अगर आपको कुछ करने का अवसर मिले तो आप ये समझिए कि भगवान ने आपको अपनी टीम में शामिल किया हुआ है, वरना पैसे धरे के धरे रह जाते हैं महाराज, नहीं लग पाते धर्म कार्य में, नहीं हो पाते, कर नहीं सकते आप। लेकिन आपके द्वारा अगर किसी का कल्याण हो रहा है, आपके द्वारा अगर भगवत चर्चा हो रही है, तो निश्चित रूप से ये ठाकुर जी की विशेष कृपा है। भगवान ने कहा, मुझे आप पर विश्वास था, इसीलिए मैंने इस लीला में आपको शामिल किया, और मैं अपने भक्तों का सदैव कल्याण चाहता हूँ, इसीलिए मैंने ये पूरी लीला रची, क्योंकि आपके भीतर अहंकार पल रहा था। देवर्षि नारद को कहा, जाइए भगवान शिव जी के नाम का उच्चारण करिए, आपके मन को शांति मिलेगी। वही तो जो रुद्रगण थे उन गणों को श्राप दे दिया, जाओ राक्षस बन जाओ, और वही गण शापित होकर के रावण और कुंभकर्ण बन के आए और भगवान राम का अवतार हुआ।